आज जगाधरी में अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुजर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुजर ने इस मौके पर कहा कि 50 साल तक राजा मिहिर भोज ने शासन किया। उनका जो शासन था कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश, बंगाल से गुजरात तक, मध्य प्रदेश से राजस्थान में बहुत बड़े हरियाणा के कुछ हिस्से में भी फैला हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि 800,000 से ज्यादा उनकी सेना थी। जब तब विरोधी ताकतों ने हमला किया तो डटकर राजा मिहिर भोज लड़े। उनके परिवार ने 500 साल तक राज किया। प्रतापी राजा सौभाग्य से गुजर वंश में हुए। आज बिरादरी के लोगों ने उन्हें याद करने के लिए इस कार्यक्रम को किया है। उनकी जयंती मनाई जा रही है। यही संदेश दिया जा रहा है कि उनके दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे और देश की सेवा करेंगे। जिस तरह से काम करें, सबको साथ लेकर चलो। उनके नाम पर एक चौक बनाया जाएगा जिसके लिए मैंने 5,00,000 रुपए दिए हैं और भी दूंगा। बाकी समाज के सारे लोग योगदान देंगे और इस चौक को सुंदर बनाएंगे। सम्राट मिहिर भोज चौक पर भव्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। स्पीकर कंवरपाल ने इसके लिए 5,00,000 रुपए देने की घोषणा की। वह अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा की ओर से महाराजा मिहिर भोज की जयंती पर कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब तक बेटियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक समाज की तरक्की नहीं हो सकती, इसीलिए बेटियों को पढ़ाना जरूरी है। अगर एक महिला पढ़ी हुई है तो वे बच्चों को बेहतर पढ़ा सकती है। पुरुष केवल बच्चों की फीस के बारे में सोचता है। महाराजा मिहिर भोज का शासन 500 साल तक रहा। उनका इतिहास से नाम काट दिया गया, ये पता नहीं क्यों किया गया, लेकिन मिहिर भोज ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। वे अकेले गुजरों के लिए नहीं लड़े, देश में अंग्रेजों मुगलों ने भी शासन किया, अनेकों राजा भी हुए, लेकिन मिहिर भोज सबसे श्रेष्ठ थे। उनमें इंसानियत थी। कोई भी महापुरुष किसी एक जाति का नहीं होता, वे पूरे देश सर्व समाज का होता है। शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को पूरे देश के लिए मारा था, केवल एक विशेष जाति के लिए नहीं। इसी तरह से बहुत से उदाहरण है। एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए और 50 साल तक उन्होंने शासन किया। उनका जो राज्य था वो कर्नाटक से बंगाल तक, गुजरात तक, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा के भी कुछ हिस्से में, इस बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। और उस टाइम जो इतिहासकार लिखते हैं वो 800,000 से लेकर और उससे भी ज़्यादा तक की, कई लाख तक की संख्या लिखते हैं कि भी इतनी बड़ी सेना उनके पास थी। और 50 साल तक जो बाहर से आक्रमणकारी आते रहे उनको सबको उन्हें रोकने का काम किया। वैसे इस जो मिहिर भोज का जो परिवार है तो इन्होंने 500 साल तक लगभग वहाँ पर राज किया, लेकिन ये एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए और सौभाग्य से ये गुजर वंश में पैदा हुए। तो उसके लिए आज सभी बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए उनके उनको याद करने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि उनके दिखाए रास्ते पे हम चलेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। जिस प्रकार से देश के लिए उन्होंने काम किया उसी प्रकार से समाज देश के लिए काम करें। सारे सब लोगों को इकट्ठा लेके, सब लोगों को साथ लेके और सबके साथ मिलके हम देश के लिए काम करेंगे। तो शिक्षक यहाँ पर जो चौक है उस चौक की एक मंजूरी जो है हमारे नगर निगम ने दी है कि उनके नाम पर एक चौक बनेगा। तो आज उसके लिए हमने घोषणा की कि 5,00,000 रुपये मैं अपनी ओर से दूंगा, बाकी सारा समाज इकट्ठा करके वहाँ पर एक भव्य जो है मूर्ति की वहाँ स्थापना की जाएगी, उस चौक को अच्छा और सुंदर बनाया जाएगा। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।